तो गाइस देख सकते हैं पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है। इधर मिष्टी बाल कटवा रही है अर्पिता से। और गाइस चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो ये देख सकते हैं, इसमें मेरा एक ड्रेस है, सूट है। आप लोग देखिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसा है। और ये मुझे गिफ्ट में मिला है, तो चलिए आप लोगों को अभी बताएंगे कि किसने दिया, क्यों दिया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं उधर देख सकते हैं नाश्ता बना रही हूँ, आलू के पराठे। और नाश्ता बनाते बनाते मैंने सबको दे भी दिया है, सब खा रहे हैं। और अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी। और आज मैं जाने वाली हूँ झरिया, क्योंकि जैसे कि भाई का रिसेप्शन बहुत जल्द, मतलब तारीख सामने आ रहा है, तो उसी की शॉपिंग करने सबके लिए। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। और अभी हस्बैंड गए हैं बाबू लोग का रिजल्ट लाने, आज 31 मार्च है, तो आज दोनों का रिजल्ट आएगा। सृष्टि का रिजल्ट तो आ गया है, वो थर्ड आई है, थर्ड डिवीजन। अब देखते हैं मिष्टी और आर्यो क्या आता है। तो आप लोगों को अभी रिजल्ट भी दिखाएंगे जब तक हम झरिया नहीं जाते हैं, क्योंकि मोबाइल नहीं लेकर जा सकते, बाबू घर में रहेगा तो उसको मोबाइल देकर जाएंगे। और देखते हैं आगे का ब्लॉग, हो सकता है अर्पिता साथ में जा रही है तो उसके मोबाइल से कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर घर आके ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग को सारा दिखाएंगे, शॉपिंग क्या क्या करेंगे क्या नहीं। तो चलिए आज इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए ब्लॉग पर। तो दोस्तों इधर हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है और बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो अभी हम लोग खा रहे हैं डोसा और अर्पिता खा रही है छोला भटूरा। और बाकी का ब्लॉग हम लोग कुछ भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा थक गए थे शॉपिंग करते करते। सो गाइज गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं ना 4-5 दिन के बाद कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ खराब था मतलब सर दर्द उल्टी ऐसा हो रहा था कुछ दिनों से, तो जिसकी वजह से मैं डेली ब्लॉग भी नहीं ला पा रही थी और जो ब्लॉग बना के रखी थी वो भी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और अभी आप लोग को दिखाएंगे कि उस दिन हम लोगों ने झरिया में क्या क्या शॉपिंग किया क्या नहीं, सारा कुछ आप सबको दिखाएंगे। वैसे तबीयत तो आज भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तबीयत नहीं ठीक रहने से भी और ठीक रहने से भी काम तो करना ही पड़ेगा। आप लोग तो जानते ही है मैं घर में अकेली हूँ, तो मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है। और मतलब ब्लॉग भी लाना होता है, क्योंकि अगर ब्लॉग नहीं बनाते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत मतलब टेंशन हो जाता है कि 4-5 दिन हो गया ब्लॉग ही नहीं आ रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, अभी आप लोग को शॉपिंग वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं। दोस्तों इधर देख सकते हैं ये मंदिर को कलर कर रहे हैं और इस रूम को भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम लोग का एक पर्व आ रहा है, ये क्या बोलते उसको, भोक्ता पर्व, तो उसके बाद करेंगे, क्योंकि अभी मेरा तबीयत भी खराब है तो उतना कौन सामान वगैरह इधर उधर समटेगा इसीलिए। तो अभी फिलहाल मंदिर को करा दिए क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, रूम तो बाद में भी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर मिष्टी मेरी हेल्प कर दे रही है, अभी हम लंच बना रहे हैं, देखिए पूरा रो रही है प्याज काट काट के। और इधर मैंने अभी दाल चढ़ा दिया है, भात भी चढ़ा दिया है, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो चलिए अभी सब्जी भी इधर काट लिए हैं, बस ये प्याज काट दे रही है और फिर इधर हम साग काटेंगे, ये हमारे बाड़ी का है। तो गाइस देख सकते हैं इधर आज मम्मी ने रोटी नहीं बनाई है, तो आज हम लोग मैगी खाएंगे। इधर बाबू है, इधर पाखी और हम लोग तीनों। मेरा तबीयत खराब है अभी, तो इसीलिए रात का रोटी था तो वो हस्बैंड और माँ खाई और मैंने मूढ़ी खा लिया, और मिष्टी और बाबू अभी मैगी खा लेगा, पाखी भी है साथ में वो भी खाएगी। दोनों इधर रेडी है मैगी खाने के लिए। आमा को स्टील और काटा चम्मच ले, दे चम्मच। गाइस चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया है। सृष्टि का ड्रेस है एंड ये मिष्टी का गाउन है, और इस 2 पैकेट में बाबू का ड्रेस है, क्योंकि बाबू का ना हम ड्रेस ही नहीं खरीदते हैं, बस मिष्टी और सृष्टि का ही खरीदते हैं, तो इस बार बाबू का 2 ड्रेस खरीद लिए। इसमें देख सकते हैं मेरा लहंगा है और इसमें क्या है,
ओ इसमें पीहू का ड्रेस है, क्योंकि पीहू का ड्रेस मैंने ही खरीद के रखा है। और इसमें जो है इसमें माँ का साड़ी है, साया ब्लाउज सब कुछ है। और एक चीज आपको दिखाते हैं, तो ये देख सकते हैं इसमें मेरा एक ड्रेस है, सूट है। आप लोग देखिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसा है। और ये मुझे गिफ्ट में मिला है, तो चलिए आप लोगों को अभी बताएंगे कि किसने दिया, क्यों दिया। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों मैं जब झरिया गई थी जिस दिन, उसी दिन मेरा एक फ्रेंड आई थी झरिया, मुझे कॉल करके ही आई थी। वो घर आने वाली थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाई। तो उसके साथ फ्रेंडशिप मेरा इवेंट के टाइम हुआ था, जब मेरा भाई का जो इवेंट था धनबाद में, तो उस टाइम हम लोग मिले थे। उसके बाद उस टाइम से ही हम लोगों का बातचीत हुआ करता था इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पर। तो इस तरह करके मतलब पूरा फ्रेंडशिप हो गया है। और वो मुझे दीदी बुलाती है, तो उसका जो है झरिया के पास ही उसका मायका है और उसका ससुराल आसनसोल में है। तो वो झरिया आई हुई थी, तब मैं गई मार्केट शॉपिंग करने, तो वो आई मिलने। और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट वो लाई थी, और मुझे पता भी नहीं था। बर्थडे तो मेरा कब का पार हो चुका है, नवंबर को ही। तो वो बोली नहीं आपका बर्थडे गिफ्ट बाकी था। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और गिफ्ट जैसा भी हो गिफ्ट गिफ्ट होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पसंद आया, और थैंक यू रीमा मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। और चलिए आप सबको पता चल गया कि किसने मुझे गिफ्ट किया। और बाकी मैंने आप सबको ड्रेस थोड़ा थोड़ा दिखा दिया, और उतना खोल खोल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि पार्टी में पहनेंगे ना। तो अभी अगर ब्लॉग में दिखा देंगे तो सबको ही देख लेगा, इसीलिए। तो पार्टी ब्लॉग तो आएगा ही, आप लोग देख लीजिएगा कि सबका ड्रेस कैसा है। मैंने लहंगा लिया है, मिष्टी का गाउन, सृष्टि का लहंगा, और बाबू का एक शेरवानी और एक जैकेट जीन्स। और हस्बैंड का भी बाकी है, तो हस्बैंड जी आज जाने वाले हैं, देखते हैं वो क्या लेते हैं। और माँ का भी हो गया है साड़ी वगैरह सब कुछ। तो चलिए अभी ब्लॉग पे बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है। इधर मिष्टी बाल कटवा रही है अर्पिता से, और हम भी आज ही कटवाते, लेकिन मेरा बालों में तेल लिया हुआ है, तो मैं फ्राइडे को काटूंगी बेबी कट। और उधर देखिए पुचका को, इधर है हमारा गेंदू, देखो गेंदू अनु गेंदू स्माइल तो देखिए गेंदू का गेंदू नाम है अनु। तो दोस्तों अभी हम लोग लंच वगैरह करके आ गए हैं रूम में, और अभी थोड़ा हम लोग सोएंगे। अभी बाबू का ट्यूशन 4 बजे है, तो अभी 2 बज रहे हैं, अभी 2 घंटा टाइम है ना। हाँ, 2-3-4 2-3-4 तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और रिसेप्शन पार्टी बहुत जल्द आ रही है, डेट बहुत करीब आ ही गया है, तो पार्टी ब्लॉग आएगा उससे पहले, और भी सारे बहुत सारे ब्लॉग आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।